So, hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra, and in this video I am going to discuss The Animal Farm written by George Orwell. तो इस वीडियो में हम एनिमल फार्म को एकदम आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं. एनिमल फार्म क्या है और किस बारे में लिखा गया है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो अगर आप एनिमल फार्म की बात करें तो इसको लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने. जॉर्ज ऑरवेल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ही वॉज बॉर्न इन बिहार, मोतिहारी में इनका जन्म हुआ था. इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि ये बिहारी थे या ये यहाँ से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली इनके फादर सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे. और चूंकि आपको पता है कि 1903 जब इनका जन्म हुआ, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स ही यहाँ रूल करते थे. तो इनके फादर एक सिविल सर्वेंट थे जो इंडिया में पोस्टेड थे. तो जब इनका जन्म हुआ इनके फादर और मदर यहीं थे, डैट्स वाई ही वॉज बॉर्न इन बिहार. उसके बाद एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कि इनका ओरिजिनल नेम जो है वो एरिक आर्थर ब्लेयर था. मेजर वर्क्स की अगर हम इनकी बात कर ले कि कौन कौन सा बुक इन्होंने लिखा है, एनिमल फार्म इनकी बहुत पॉपुलर बुक है. और उसके बाद एक दूसरी बुक है विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, डेट इज़ 1984 की एक लाइन है जो बहुत पॉपुलर है, डेट इज़ बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू. देखो 1984 और एनिमल फार्म दोनों ही, या जॉर्ज ऑरवेल के ज़्यादातर नॉवेल्स या जो कुछ भी वो लिखते थे, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल अप्रोच के साथ होता था, पॉलिटिक्स के बारे में होता था, दुनिया की सोशलिस्टिक अप्रोच सोसाइटी के बारे में, और इन सारे मुद्दों पे वो अपने व्यूज़ रखते थे. तो 1984 भी डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में है, या डेमोक्रेसी किस तरीके से आगे चल करके मतलब एक आदमी का रूल हो जाएगा, वो आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा. तो ये जो बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू है, और मतलब ये नॉवल 1984 इन्होंने लिखा था 40s के दौरान ही, बट स्टिल 1984 का ये लेकर के कि आज से 40 साल बाद स्थिति क्या होगी. और वो ठीक वैसा ही है जैसा आजकल हो रहा है. तो आज के भी कंसर्न में 1984 एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है. एनिमल फार्म भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. एनिमल फार्म भी एक पॉलिटिकल और एलिगोरिकल नॉवल है जिसमें वो अपने पॉलिटिकल अप्रोच को, अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाना और समझाना चाह रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से. सो हम बात करते हैं एनिमल फार्म के बारे में. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1945. और जैसे ही मैं 1945 कहता हूँ, आपको दो बातें ध्यान आनी चाहिए. पहली कि 1945 के आसपास वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, और 1945 में ये जब पब्लिश हुआ इसका मतलब लिखा गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और फिर बहुत सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बहुत सारे पब्लिशर्स ने इसे छापने से मना किया क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका था, रसिया एक अलग तरीके से जा रहा था और इंग्लैंड उसको प्रमोट कर रहा था, जिससे जॉर्ज ऑरवेल जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वो उससे अग्री नहीं करते थे. तो इस बारे में भी, उस चीज़ को भी उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है इसमें. अब देखिए दो चीज़ें, पहला तो ये कि एक नॉवेला है यानी कि शॉर्ट नॉवेल है, और दूसरा ये कि इसको हम एलिगोरिकल या डिस्टोपियन नॉवेल कहते हैं. इन दोनों वर्ड का मतलब समझ लीजिए. एलिगोरिकल नॉवेल कहने का मतलब ये है कि जो एलिग्री यानी कि जिसमें ऐसी कहानियाँ हों, कम से कम एक तो आप फैबल की तरह समझिए जिसमें जानवर बात कर रहे हैं या वो सारी चीज़ें होंगी, और दूसरी ये कि ये रियल इंसिडेंट्स या रियल सिनेरियो को लेकर के उस पर सैटरिकल कमेंट करते हुए अगर कुछ लिखा जाए तो डेट इज़ एन एलिग्री. बेसिकली बेसिक मतलब यही है. और डिस्टोपियन वर्ड का मतलब ये है, ये वर्ड यूटोपिया से आया है. प्लेटो ने एक वर्ड पहली बार इस्तेमाल किया, डेट इज़ यूटोपिया. यूटोपिया का मतलब हुआ एन आइडियल स्टेट. सर थॉमस मुरे ने भी इस पे, उनकी एक बुक है यूटोपिया, वो भी बहुत पॉपुलर है. यूटोपिया का मतलब एक आइडियल स्टेट जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम आराम से हो रही है, रामराज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सब कुछ एकदम आदर्श स्थिति में है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी जगह इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जो जैसा होना चाहिए, सब लोगों के पास बहुत पैसा है, सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं. तो ऐसा स्टेट होता है उसको यूटोपिया बोलते हैं. और डिस यूटोपियन का मतलब या डिस्टोपियन का मतलब ये होता है इसके ठीक उल्टा, निराशावादी, जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, लोग सफ़र कर रहे हैं, हर एक आदमी दूसरे आदमी को तबाह करने में लगा हुआ है, या जो जो भी पावर में है वो एक तरीके से, जो पावर में नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है उसको
उस पर रूल कर रहा है, उसके साथ बुरा कर रहा है। तो डेट इज़ वॉट, ऐसी सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन अगर दिया जाए तो डेट इज़ डिस्टोपियन नॉवल और डिस्टोपियन नॉवल। एनिमल फार्म का ओरिजिनल टाइटल एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी था, और ये मैंने बता ही दिया कि ये वर्क जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास लिखा गया। अब देखिए इसमें जो कैरेक्टर हैं, मैंने आमतौर पे, हालांकि इससे भी ज़्यादा कैरेक्टर हैं, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा। तो ये 8 कैरेक्टर हैं। नेपोलियन नाम का एक पिग है, क्योंकि एनिमल फार्म आपको नाम से ही पता चलेगा कि ये एक एनिमल फार्म के बारे में, एक फार्मलैंड के बारे में बात कर रही है, की जा रही है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल रहते हैं। तो ये इतने सारे एनिमल हैं, वो फार्म जो है वो मिस्टर जोन्स का है, इनका नाम याद रखिएगा, और उस फार्म का नाम है मैनोर फार्म। तो यहाँ पे इतने सारे ये जानवर या इससे और भी जानवर रह रहे हैं, मेजर जानवर ये सब हैं। नेपोलियन नाम का एक पिग है, स्नोबॉल नाम का एक पिग है, बॉक्सर नाम का एक घोड़ा है, स्क्विलर नाम का एक और पिग है, ओल्ड मेजर नाम का भी एक पिग है, क्लोवर नाम की एक फीमेल हॉर्स है, मिस्टर प्लिनकिंगटन ये भी एक फार्मर है जो बाद में इनकी एंट्री है, और बेंजामिन नाम का एक डंकी है। तो ये सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। होता यह है कि मिस्टर जॉन्स जिनका ये फार्म है, एक रात वो थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, और ये जो ओल्ड मेजर है जो कि एक पिग है, वो एक मीटिंग बुलाता है सारे जानवरों की, और वो कहता है कि हमें बेसिकली मिस्टर जोन्स से आज़ाद होना चाहिए और ये फार्म हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए। और वो 7 रूल्स ऑफ एनिमलिज्म की बात करता है, अगर आप इधर देख पाएँ, 7 रूल्स ऑफ एनिमलिज्म की बात वो करता है, और वो 7 रूल्स देता है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। कुछ एक चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि वो 7 रूल्स क्या क्या थे। जैसे एक रूल्स मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि नो एनिमल्स एंड किल एनी अदर एनिमल, कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा। इस तरीके के वो 7 रूल्स देता है और बताता है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे मतलब आप डायरेक्ट समझिए जॉर्ज ऑरवेल करना क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहिए, ऐसा वो एनिमल्स बता रहे हैं। फिर एक बात और वो बहुत इंटरेस्टिंग कहता है कि ऑल मैन आर एनिमीज एंड ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड्स। इसको समझिए आप कि सारे जो मैन हैं वो, ये सारी बातें ओल्ड मेजर कह रहा है अपनी पहली मीटिंग में, ऑल मैन आर एनिमीज एंड ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड, कि सारे इंसान जो हैं वो सब दुश्मन हैं और जितने जानवर हैं वो कॉमरेड्स हैं। कॉमरेड्स वर्ड का मतलब, जैसे कॉम्युनिज्म में या मार्क्सिज्म वाली फिलॉसफी में कॉमरेड वर्ड्स हम साथी को कहते हैं, फ्रेंड्स को कहते हैं। फिर एक बात और, जैसे 4 लेग्स गुड, 2 लेग्स बैड, 4 पैर वाले अच्छे हैं, 2 पैर वाले बुरे हैं। इस बात पे मुर्गियाँ बुरा मान जाती हैं क्योंकि उनके 2 ही पैर होते हैं। तो फिर वो बताता है कि नहीं नहीं मैं फिदर्स वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, और ऐसे मतलब मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। फिर ओल्ड मेजर ये सारी मीटिंग रखने के बाद, अपने एनिमलिज्म के पॉइंट समझाने के बाद, उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद 2 लोग इन जानवरों के लीडर हो जाते हैं, एक जिसका नाम है नेपोलियन और दूसरा जिसका नाम है स्नोबॉल। ये दोनों पिग ही हैं, नेपोलियन और स्नोबॉल। ये दोनों अपने हिसाब से जानवरों को रेगुलेट करना चाहते हैं। नेपोलियन का की बहुत सारी बातें, जो स्क्विलर है वो भी एक पिग ही है, वो फैलाता है बाकी सारे जानवरों में, उसके आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है एक तरीके से, ऐसा कुछ है। फिर वो होता क्या है, वो फार्म, वो लोग खेती करना शुरू करते हैं, फार्म बनाते हैं। फिर एक विंडमिल बनाने का कॉन्सेप्ट आता है कि हम यहाँ पे एक विंडमिल एस्टैब्लिश करेंगे जिससे फार्मिंग में या फिर बाकी चीज़ों में हेल्प हो। इसको लेकर के नेपोलियन चाहता है कि विंडमिल नहीं बने, स्नोबॉल चाहता है कि विंडमिल बने। वो लोग चाहते हैं कि वोटिंग करा ली जाए कि विंडमिल बनेगा या नहीं बनेगा। नेपोलियन को ऐसा लगता है कि वोटिंग होगी तो वो हार जाएगा या फिर ऐसा कुछ। वो स्नोबॉल को कुछ एक मतलब अपने टैक्टिक से वहाँ से बाहर निकाल फेंकता है और एक छत्र राज कायम कर लेता है, डेट इज़ नेपोलियन। और फिर वो बाकी सारे बहुत सारे रूल्स जो है वो चेंज कर लेता है। एक बार मिस्टर जोन्स वापस से आते हैं, वो चाहते हैं कि उस फार्म वो उनका फिर से हो जाए, और फिर मिस्टर जोन्स और इन सारे जानवरों के बीच, नेपोलियन सहित उनके बीच एक लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ काउसेड बोला जाता है। ये बैटल ऑफ काउसेड आपसे पूछा जाएगा तो आप बाकी स्टोरी पॉइंट के साथ इसको लिख सकते हैं कि बैटल ऑफ काउसेड क्या था। तो मिस्टर जोन फिर से जो अपना लैंड एक्वायर करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता है। एक और व्यक्ति है मिस्टर पिलकिंगटन, उसके कुछ फार्म्स को ये ख़रीद लिया जाता है, उसका फार्म्स में मिल जाता है, इनका एरिया जो है वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। और अब नेपोलियन क्या करता है कि जो तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी कि हम लोग अपने बीच से जो है वो राजा चुनेंगे और अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे,
वो एक तरीके से फिर से सारे जानवरों पे बहुत सारे जो एनिमलिज्म के रूल्स थे उनको बदल देता है, और फिर से बहुत सारे ऐसे रूल्स लेके आता है। जैसे एक मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ लिखा है कि पहले जो एनिमलिज्म का रूल था उसमें बताया गया था फोर लेग्स गुड टू लेग्स बैड, और फिर उसने बताया कि नहीं फोर लेग्स गुड टू लेग्स बेटर, और एक सिंबॉलिज्म के तौर पे ये दिखाया गया वो सारे जानवर दो पैर पे चलने लगते हैं, यानी वही जानवर इंसान बन गए हैं। देखिए इस पूरे नॉवेल का जो पर्पस है वो बहुत सिंपल है कि बताना ये चाह रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल कि चाहे मोनार्की हो या फिर डेमोक्रेसी हो, चाहे राजा रूल करे या आप डेमोक्रेसी ला लें, और मतलब लोगों को सफ़र करना ही पड़ेगा क्योंकि जिसके पास भी पावर रहेगी वो आप पे ओवर रूल करेगा ही करेगा, और आपको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा। सफरिंग, जिनके पास पावर नहीं होगी उनको सफ़र करना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी भी एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, कहीं इस तरफ भी कमेंट उनका है जॉर्ज ऑरवेल का। बाकी वो सोशलिज्म मार्क्सिज्म वगैरह में अच्छा खासा विश्वास रखते थे, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के पक्षधर थे। तो ये आपको समझना होगा, रशियन रिवॉल्यूशन वगैरह का ठीक ठाक उन पर इम्पैक्ट था, ये सोशलिज्म और मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट। कार्ल मार्क्स को भी ठीक ठाक वो मतलब फॉलो करते थे, हालांकि आप देखेंगे कि तो ये सारे कमेंट जो है मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉवेल लिखा गया है, एनिमल्स के जरिए रियल सिनेरियो समझाने की, सोसाइटी की 1945 के बाद उसको समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनिमल फार्म का वो आपको समझ में आ गया होगा। एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के वो पक्षधर थे जॉर्ज ऑरवेल, के बारे में ये ध्यान रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।